पंकज भाई आइए, इसको सर क्लोज करके फोटो ले लेंगे सर इसका हम, शानदार फोटो लीजिएगा। जो नाज जी हैं, मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मैं इस तरह की इनोवेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं और आगे मैं लाता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा संकल्प है प्लास्टिक से कम 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे, किस तरीके से हमको देश को एक लेवल तक ले जाना है, किस तरीके से जो जिनका हक है उनको हक मिले, इसको लेकर हम चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले हम सर को सम्मानित करेंगे और इसके लिए मैं मिस्टर रोजगार का सर को बुलाना चाहता हूँ कि आम मंत्रालय का सर को सम्मान करें। और इसके साथ साथ मैं चांद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को ये बुक भेज करें, ये सर मेरी लिखी हुई सर किताब है। और चांद और हमारे मनोज जी आप भी सर आइए। और अब जो तीसरी बारी आती है जिसके लिए हिंदुस्तान में हर जगह पर चर्चाएं होती हैं, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि यहाँ पर माननीय मंत्री जी आए हैं, जिसके माध्यम से सर की यहाँ पर मौजूदगी हुई है, वही एक चीज जो मुझे नाश को नाश बनाता है। और उसी बात को मुझे शायद कहता है कि नाश करता है समाना, नाश हो कि नाश है तुम बुलंदी को छोड़ के, उनकी यही आवाज है। तो बातें सर को हम भेज करना चाहते हैं, मक्के के छिलके से गले नहीं कटोरी, और इसको लेकर मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ सर को शामिल हो जाए, सर के साथ हो जाए। आइए आइए पंकज भाई आइए, इसको सर क्लोज करके फोटो ले लेंगे सर इसका, हम्बल रिक्वेस्ट है। सैफ भाई आइए, लाइट के साथ फोटो लीजिएगा, देना भी था आगे जाए। नफीस भाई आइए, सोले क्लोज करके फोटो लीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ न रहने से रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त के हाथ से लगे नहीं छूटा करते, और कौन कहता है मेरा सपना टूट गया, टूटती नहीं है सपने नहीं छूटा करते। एक सोलह का नेता स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है। यहाँ पर उपस्थित कुरहनी और सकरा ब्लॉक के विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग सब हमारे हैं। इसके पहले बहुत कम ऐसा अवसर आया है कि मुझे अपने लोगों के बीच में कुछ बात करने का मौका मिला है, और कई स्थानों पर मैं गया हूँ और लोगों से मैंने बातचीत की है, लेकिन यहाँ पर जो बात मैं देख रहा हूँ वो सबसे विलक्षण है, और ये आप लोगों की उपस्थिति तो है ही यहाँ पर दो ब्लॉक के लोगों की, इसके अलावा जो नाज जी हैं, मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है और पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि इन्होंने पर्यावरण नियंत्रण और पर्यावरण में प्रदूषण कैसे दूर हो
इसके लिए इतना अथक प्रयास इन्होंने किया है और कर रहे हैं, और जिसका कि हम अभी रिजल्ट देख रहे हैं आपके सामने। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो प्रकृति है वो कितनी विनाशकारी हो चुकी है। रेगिस्तान में जहाँ पर पहले बहुत कम वर्षा होती थी, आजकल लबालब है। चाहे हम मिडिल ईस्ट को देखें या अमेरिका को देखें या अपने यहाँ के क्षेत्रों को देखें, और जहाँ पर पहले बहुत बारिश होती थी वहाँ बहुत कम बारिश हो रही है। समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है, इस कारण क्या है, कई देश जिनकी ऊंचाई, ज़मीन की ऊंचाई कम है, उनको डूबने का खतरा पैदा हो गया। कई जगह, और मैं नाज़ी के बारे में बातचीत कर रहा था और पर्यावरण में जो असंतुलन हो गया उसके बारे में बात कर रहा था, और प्रकृति का जो रुद्र रूप है वो हमारे देश में हम लोग देख ही रहे हैं। उत्तर में, पश्चिम में तो हम लोगों ने देखा ही है, और पूर्वोत्तर में तो हम लोग देखते ही रहे हैं, आसाम में और मेघालय में, और अभी हिमालय में जो भूस्खलन की जो घटना हो रही है। तो ऐसे समय में इस तरह का, देखिए बातें तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना एक बहुत बड़ी बात है, और ये नाथ जी ने किया है बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इनका दिल से और तालियों से इस्तकबाल करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ नाथ जी के बारे में, तो उसके पहले मैं आइंस्टीन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आइंस्टीन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं वो, और उनकी जो बनाए हुए सिद्धांत हैं उस पर आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, तो वो जो है विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक थे, और उनका नाम बहुत था। तो राष्ट्रपति और बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो सेठ साहूकार उस जमाने के कैपिटलिस्ट लोग थे, उनको बुलाते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे, सब करना चाहते थे। तो क्या है, जब वो जाते थे तो उनके बाल वाल, आपने उनकी अगर तस्वीर देखी होगी तो बाल बड़े उलझे से रहते थे और बड़ा सा एकदम पूरा घुंघराले थे, और कभी बाल वाल को पता नहीं वो संवारते थे कि नहीं संवारते थे, ये कहना बहुत मुश्किल था। और कोट वोट भी सिर से पहन के चले जाते थे। तो उनकी पत्नी हमेशा उनको बोलती थी कि भाई देखिए, अब आप इतने बड़े आदमी हो गए हैं, जब जाते हैं बड़े लोगों से मिलने के लिए तो कम से कम सलीके से या कपड़े वगैरह पहना कीजिए, जूते मोजे वगैरह। भाई तरीका ये है कि आप जब जाते हैं तो जो कैसा सूट पहनना है, कैसे जूते पहनने हैं, कैसे क्या करना है, वो सब पूरा तरीका है, एक तरह से जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे लोग इस कपड़े के कारण नहीं बुलाते, वो तो जो मैंने काम किया है उस कारण से बुलाते हैं। तो ये काम जो है सर्वोपरि है, और बाकी सब जो बातें हैं वो सब उसके बाद में आती हैं। नाथ जी के साथ मैं देखता हूँ कि ना केवल इन्होंने आविष्कार किया इस चीज़ का, बल्कि ये शेर व शायरी भी करते हैं, और बाकी हम तो यहाँ पर जितने भी वक्ता है सभी शेर व शायरी करते हैं, बड़ी खुशी की बात है ये, तो आप भी शेर व शायरी करते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो ये सर्वगुण संपन्न जो हैं ये व्यक्ति है नाथ जी, और इनमें बहुत असीम संभावनाएँ देखता हूँ मैं। बाकी तो नेता हैं, वो लोग आते हैं, बात करके चले जाते हैं, अपनी तरफ से करने की मतलब बहुत कम कोशिश होती है कि वो कुछ अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ करें। अब इन्होंने ये किया है और ये विलक्षण है, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पर पा करके, आप लोगों के बीच में पा करके सही में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यही पड़ोसी ज़िले का रहने वाला हूँ वैशाली का। 1982 से पहले मेरा ज़िला जो है वो भी मुजफ्फरपुर ही कहलाता था, और हम लोग सब एक ही भाषा बोलते हैं बज्जी का। तो हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, और अब एक और ज़िला शिवहर हो गया है।
तो ये हम लोगों की एक भाषा, और हमारे पश्चिम में सब भोजपुरी बोलते हैं और पूरब में सब मैथिली बोलते हैं, तो हमारी भाषा विशिष्ट भाषा है। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो हालांकि भोजपुर के लोग काफ़ी मिलते हैं, भोजपुरी बोलने वाले मिलते हैं, मैथिली बोलने वाले मिलते हैं, लेकिन वज्जिका बोलने वाले कम लोग मिलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कोई वज्जिका बोलने वाला भी मिलता है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मैंने काम किया है, अभी तो घर भी है वहाँ मेरा नाम, और वहाँ पर भी हमारे इलाके के जो लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग हैं, बाकी लोग हैं, जब उनको पता चलता है तो आकर के मुझसे मिलते हैं, तो जितना संभव हो सकता है मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा भी लगता है। तो अब तो सब मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और बगल वाला जो वैशाली ज़िला है वहाँ का रहने वाला हूँ, महनार विधानसभा क्षेत्र भी है और ब्लॉक भी है। वहाँ पर एक महनार रोड रेलवे स्टेशन है, उसके पास में ये गांव है बिशनपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर मैं पढ़ा लिखा, और उसके बाद मैंने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है, हायर सेकेंडरी के बराबर होता है, तो वो जो है मैंने सैनिक स्कूल तिलिया से की। तिलिया आप लोग नाम सुना होगा, झुमरी तिलिया का तो नाम सुना ही होगा, पता नहीं आप लोगों की उम्र कम है। और मैं 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 समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पर बहुत कम होंगे, कुछ लोग ही होंगे मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग, तो इस कारण से मैं उस ज़माने की बात अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है कि शायद आप लोग उससे मतलब इत्तेफाक रखते हो, या उसके बारे में आप लोगों को अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि उस मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री उस समय, और फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उस समय मैंने पढ़ाई लिखाई उस समय पूरी की। तो मैं उस समय देखता था कि पता नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आप लोग कितने वाकिफ़ हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी एंड ए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने भारत के इतिहास पर भी लिखी, इस पर एक भारत एक खोज उन्होंने एक सीरियल आया था, बहुत सारे उसके एपिसोड्स आए थे दूरदर्शन पर, उसमें प्रसारित हुआ था, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो पूरी दुनिया के हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा, तो सही में कहा जाए तो विद्वान थे, पंडित थे। और कहा जाता है कि देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, तो उनकी पूजा मतलब पूछताछ, पूजा की बात पूज्य थे मतलब क्या पूछताछ कि भाई उनका आदर, उनका सम्मान, ये सब जो है, तो राजा की जो पूछताछ होती है, उसका जो सम्मान होता है, उसके सामने जो लोग नतमस्तक होते हैं, तो उसके राज्य के लोग ही होते हैं, क्योंकि वो सजा दे सकता है, इनाम दे सकता है, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी पूछ सब जगह होती है। और मैं नाथ जी को एक विद्वान ही मानता हूँ, मैं चाहता हूँ उसके लिए तालियां बजाएं, एक आपके बीच में एक आइंस्टीन जैसा ही विद्वान। तो उस नाते मैं ये कहूँगा कि उस ज़माने में मैं पढ़ा लिखा हूँ, और उस ज़माने में जो समाज में जो समरसता थी वो मतलब काबिले तारीफ़ थी, और जो करप्शन है जिसके भ्रष्टाचार में आज हम लोग बात करते हैं वो एकदम बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लगातार मैं स्कॉलरशिप से पढ़ाई लिखाई की मैंने, हम लोग को कभी एक पैसा स्कॉलरशिप के लिए नहीं देना पड़ता था, कभी भी जीवन पर, मतलब जब तक मैं पढ़ा तब तक 1976 में जो मैं पास आउट हुआ बीआईटी सिंधरी से, और तो मैं समझता हूँ कि 1976 उतने सीनियर लोग बहुत कम होंगे, आप होंगे शायद, आप भी होंगे उस ज़माने के पढ़े लिखे, तो उस समय पास आउट हुआ, तो उस समय तक समाज में बहुत शांति थी, बहुत ईमानदारी थी, सब कुछ था। अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, हालांकि सब लोगों ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी काम किया, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने काम किया, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कह सकते किसी ने काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो बिहार की स्थिति है, जो उस समय मैं देखा करता था, वो बिहार की स्थिति वैसी नहीं है। बिहार जो है आप समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार जो है
आर्थिक क्षेत्र में जो पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय होती है सालाना, उसमें भी सबसे पीछे है। बिहार जो है आप ये समझिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार जो है कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया, मैं 1976 में इंजीनियर बना और 1978 में मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया, इंडियन पुलिस सर्विस में आया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, DIG, IG, ADG, DG रहते हुए मैं रिटायर किया। तो हमने देखा, हमने सोचा कि जिस धरती ने मुझे इस लायक बनाया है, जिस समाज ने मुझे इस पद पर पहुंचाया है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। उसका जो कर्ज है उसको उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कर्ज तो कभी मिट, इस तरह का जो कर्ज कभी मिट सकता है क्या? माँ बाप का कर्ज कभी मिट सकता है क्या? इस धरती में हमने पैदा लिया है, जिस धरती के कारण हमने उसका कर्ज तो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। इस कारण से ही मैं जो चीफ एडवाइज़र था, मुख्य सलाहकार था, उस पद से मैंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि अगर सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम करना है तो किसी कोई पार्टी का अपना नेटवर्क रहता है तो उससे काम करने में आसानी होती है। तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया यहीं पर सदाकत आश्रम में। हेलो, किसी ने कुछ बोला क्या? अच्छा, सदाकत आश्रम में ज्वाइन किया। तो वहाँ पर मैं फिर उस पार्टी में 4 साल रहा। मैंने देखा कि जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं चल रहा है बिल्कुल, और मैं जमीनी स्तर पर काम करना चाहता था। तो मैं गांव में रह करके फिर मैंने लोगों को मतलब पढ़ाया करीब 1 साल तक। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में सब ये सब बंद करना पड़ा। और इस बीच में फिर मैंने प्रशांत किशोर जी का नाम सुना कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे बिहार की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ पर समरसता हो, सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका हो, और कम से कम बिहार जो है जो निचले पैदान पर है, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे विभाग हैं, उसमें जो निचले पैदान पर है उसको ऊपर आना चाहिए। तो ऊपर आने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। उनका नेटवर्क तो पहले ही से था, यहाँ पे पहले काम कर चुके हैं, वो महागठबंधन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा प्रशांत किशोर जी का। तो उनका ये भी कहना था कि प्रशांत किशोर जी की खास बात यह है कि वो जिस पार्टी से जुड़े, उनका तो प्रोफेशन था, उनका काम था, कार्य था, जैसे कि हमारा काम इंजीनियर का है, किसी का डॉक्टर का है। तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो ये नहीं देखता कि उसके पास किस पार्टी के लोग आते हैं, किस जाति के लोग आते हैं, किस धर्म के आते हैं, सबकी सेवा करता है। तो उनके पास जो लोग गए उनके साथ में उन्होंने काम किया। और लेकिन काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई बिहार की स्थिति, बाकी सबके लिए तो हम काम कर रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं, और वो आरा के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने एक पायनियरिंग वर्क, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव में भी प्रबंधन हो सकता है। तो एक बिहार का व्यक्ति जाकर के और चुनाव के प्रबंधन की एक नई बात उन्होंने सामने रखी, और उससे वो उसके किस प्रकार से काम किया उन्होंने, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के उनकी ज़रूरतों को समझा, उनकी परेशानियों को समझा, स्थानीय क्या दिक्कतें हैं उनको समझा, और उसके बाद जो है वो सब चीज़ें उन्होंने ऊपर पहुंचाई और कैसे उनको दूर किया सकते हैं ये भी बताया। लेकिन उससे उन मुद्दों को उठा करके तो राजनीतिक पार्टियां जीत तो गईं, लेकिन जीतने के बाद वो भूल गए कि हमको ये सब भी काम करना है। इस कारण से ना तो यहाँ पर काम हो पाया, ना तो काफ़ी बाकी राज्यों में बहुत काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा कि एक अपना नेटवर्क बना करके, बिहार चूँकि उनका राज है, हम सब लोगों का राज है, तो बिहार से ये शुरू किया जाए। और फिर मैं उनसे संपर्क में आया और फिर मैंने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। देखिए, कांग्रेस जो है उस जमाने का जो कांग्रेस था वो सभी लोगों के लिए था, एक मंच था, इसमें सभी वर्ग के लोग थे, गरीब थे, अमीर थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी तरह के लोग थे। वो जो मंच जो है अभी अगर आप देखेंगे तो ख़त्म हो चुका है। न तो वो हिंदुओं की पार्टी रही, न तो मतलब सभी धर्मों की, न तो मुसलमानों की पार्टी नहीं, सिखों की नहीं, न बौद्धों की रही, किसी की नहीं, न तो गरीबों की रही, न तो मजदूरों की पार्टी रही,
जो कि जिसके लिए कि वो जाना जाता है, तो मतलब सब लोग बिखर गए। भारत को ऊपर उठाने के लिए सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, सब लोगों के समन्वय की ज़रूरत है। वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कतें शुरू हो गई। और जिस तरह से हम लोग चाहते हैं, जिस तरह से अमन चैन हो, जिस तरह से सुरक्षा की भावना हो लोगों में, वो सब नहीं रही। तो उसके लिए तो कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए, और दुर्भाग्य से इस तरह का कोई मंच स्थापित नहीं हो पाया कि फिर से हम अमन चैन से रहते हुए देश को आगे ले जाएं, समाज को ले आगे ले जाएं, प्रदेश को आगे ले जाएं। इसलिए उन्हें समझा कि ये जो है एक ऐसा मंच हो जिसमें कि सभी लोग आएं, सही सोच के लोग आएं, जो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, जो रचनात्मक कार्यों में विश्वास करते हैं, सही लोग आएं जो कि इसको आगे ले जाएं, और सामूहिक प्रयास से हम लोग बिहार को फिर से ऊपर पहुंचा सकें। और इस कारण से ही मैं जुड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये इतना अच्छा काम है, और हम लोग यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ आ गया है वो हमेशा रहेगा, चाहे वो करप्शन हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई कुछ हो, सबका समय रहता है, समय के बाद सब बदलता है। तो हम लोग जो है उस बदलाव के न केवल साक्षी बने बल्कि बदलाव के भागीदार बने और हकदार बने, ऐसी उनकी सोच है। तो आप लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि जो उन्होंने कुछ सोचा है और जो जन सुराज कहता है, जैसा कि जन सुराज का लोग समझते हैं कि जन स्वराज है, ये स्वराज नहीं, ये सुराज है। जन मतलब जनता का, मतलब हमारा और आपका, और सुराज मतलब सु मतलब अच्छा, राज मतलब प्रशासन, शासन, अच्छा राज। तो अच्छा राज कैसे होगा जब तक कि जो हमारी परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, इनमें अगर सुधार नहीं होगा तो अच्छा प्रशासन कैसे होगा, अच्छा राज कैसे होगा? और अच्छा राज अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिस नीतियों को हम लेकर के चलते हैं उन नीतियों को ज़मीन पर कार्य करने का मौका मिलना चाहिए, उसको सफल होने का मौका दिया जाना चाहिए, तब तो सभी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ सकते, नहीं तो कैसे आगे बढ़ें। इस नाते आप ये समझिए कि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग हैं, आप लोगों को बहुत मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बारिश में भींगते हुए यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप लोग का बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोग आए और मेरी बात को सुन रहे हैं, और आपका भी नाज भाई, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आ रहे हैं और आकर के आपने बात सुनी हमारी। तो इस तरह से हम दूसरी जगह भी जाते हैं तो वो लोग भी हमारा स्वागत ही करते हैं, और वैसे भी यहाँ की परंपरा रही है, आपको मालूम है कि जो लोग भी आते हैं सबकी सुनते हैं, ये बात तो है। अगर इस मंच पे अभी अगर कांग्रेस के लोग आते तो भी आप लोग आकर के सुनते, बीजेपी के लोग आते तो उनको भी सुनते, जेडीयू के आते तो आरजेडी को, सबको सुनते, ये बहुत अच्छी बात है। बिहार में मैं ये देखता हूँ, ये कितनी सुंदर बात है। और हमारा संविधान जो सही मायने में कह सकते हैं तो भाई इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, और मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको यह कहने आया हूँ कि हम ऐसा एक स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने का। वो सपना आप भी देखें, आप जो है हमारे साथ जुड़ करके हमसे साझा करें कि किस प्रकार से इस काम को कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर जी बेतिया से, जो गांधी आश्रम है वहाँ से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और पूरा वो बिहार भ्रमण करेंगे। इसके पहले उन्होंने एक खाका खींचा है कि बिहार को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। करीब 225 से 250 जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जो कि बिहार में रुचि रखते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं या बिहार में जो रुचि रखते हैं, देश विदेश के लोग, उन लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श करके 15 जो विषय हैं, प्रमुख विषय, उस पर एक खाका खींचा, एक रूपरेखा बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है। और वो पॉलिसी, लेकिन वो जाहिर तभी होगा जब आपसे चर्चा होगी, जब लोगों से चर्चा होगा कि भाई हमारा ये खाका है, कानून व्यवस्था के संबंध में ये है,
आर्थिक स्थिति के संबंध में ये है, सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ये है, सिंचाई के संबंध में ये है, पीडब्ल्यूडी के संबंध में ये है, 15 विषयों को चुना हूँ मैंने जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपसे चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आप जो बदलाव चाहेंगे वो बदलाव को उसमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जब उनका इनकी जब यात्रा पूर्ण हो जाएगी पद यात्रा, उसके बाद वो जारी करेंगे कि भाई किस क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए। इस बीच में जैसा कि मैंने कहा, आप का समय चाहिए, आपके जो विचार हैं वो चाहिए, आपकी भागीदारी चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, लेकिन वोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए। हम लोग तो बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये जो हमारी जो अभी की जो बात है वो वोट के लिए नहीं है। हम तो सिर्फ आपके मस्तिष्क में और आपके दिल में ये बात रखना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा काम करना चाह रहे हैं। इसमें आप आइए, भागीदार बनिए। और यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं 91216 91216, आपकी कोई भी शंका हो आप दूर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं आप। इसके अलावा चूँकि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सब चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, लोगों की तरक्की हो, तभी तो इतनी बारिश में और यहाँ पर आ पाए हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा नंबर भी आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं जैसा कि आपको मैंने बताया, तो मैं यहाँ पटना हाई कोर्ट में एक रजिस्टर्ड एडवोकेट भी हूँ। तो हमारे जो नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो न केवल इंजीनियरिंग बल्कि इंजीनियरिंग के अलावा, वैसे तो इंजीनियर तो मतलब आप जैसे हर फन मौला हैं, उस तरह से जो है इंजीनियर्स बिल्कुल जो है बहुत सारे क्षेत्रों में इंजीनियर्स क्यों, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो जीवन जीवन मतलब जान बचाते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर्स के बारे में क्या कहना है, वो तो जीवन रक्षक हैं। लेकिन इंजीनियर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स क्या है कि एक दिमागी खाका खींचते हैं ऐसी चीज़ों का जो कि है ही नहीं, और फिर उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं। इसलिए इंजीनियर जो होते हैं वो किसी भी समस्या को तुरंत पकड़ लेते हैं, और तुरंत पकड़ करके समस्या के हल भी बहुत जल्दी निकालते हैं। ये खास बात है, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए नहीं ऐसा कह रहा हूँ, या कह सकते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, दोनों बातें सही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक इंजीनियर बाकी सब क्षेत्रों में दिलचस्पी लेता है, उसी प्रकार से बाकी सब लोगों को भी विभिन्न क्षेत्रों में दिलचस्पी तो लेनी ही चाहिए, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत आपका, आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझसे किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया क्या? हाँ, यही मैं चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8103, क्या लिखा आपने, 8103 111 000, हाँ 111 000। दोहराता हूँ मैं इसको, 8103 111 000। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। फोन कर रहे हैं, हाँ हाँ एकदम ठीक है, आ रहा है। सर कुछ लोग बच गए थे, हाँ एक है सर, अच्छा बताइए।